given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to... Assalamualaikum दोस्तों, जैसे आप नाज़रीन आप देख सकते हैं कि TSP शो और ये डर्टी माइंड और रॉयल जॉनी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गिल्ड है और ये सिंगापुर रीजन में उनके बहुत सारे लोग मास्टर बन जाते हैं। उनका कस्टम है अभी गॉड मुजरिम और गॉड बेबी और गॉड वन शॉट की तरफ से चैलेंज मिला है रॉयल जॉनी को। अब देखते हैं क्या होगा, अब देखते हैं क्या होगा। मुकाबले कांटे का टक्कर हो गया, वन साइडेड गेम होगा। लगता तो यही है कि ये रॉयल जॉनी गार्ड्स को खा जाएंगे साथ। गार्ड बेबी 36-36 का रिमेक देती हुई गार्ड वन शॉट को डाउन किया हुआ है। गार्ड वन शॉट को रिवाइव करने की कोशिश और शायद गार्ड वन शॉट मर जाए क्योंकि गार्ड वन शॉट उसी जगह पे खड़ा था जिस पे गोली लगने की खदशात जाहिर हो सकती थी। अभी वो ऊपर खड़ा है और हेड शॉट का खदशा पीछे से आती हुई टीएसपी शो। गार्ड वन शॉट खत्म। अभी और सारी गार्ड्स वाली को इस तरह खा गई जैसे गार्ड्स वाली थे ही नहीं। गार्ड्स वाली बड़ी दूर बंदी आई हुई है, गार्ड माफिया को लाना पड़ेगा इसको सपोर्ट करने के लिए। गार्ड AK-47 और गार्ड अंदोर ये बड़ी ये ग्रुप टू में है मगर बहुत जीनियस बंदे हैं इसमें, बहुत जेन से गेम खेलते हैं। पता नहीं ये गार्ड की जो फर्स्ट टीम है वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है यहाँ पे। ये गार्ड मुजरिम तो बीती ख़त्म हो गया हुआ है। गार्ड बेबी फॉर्म में नहीं है अभी। गार्ड बेबी 36-30 का हेड देती हुई त्रियान में लगा है डर्टी माइंड को त्रियान में हेड शॉट लगा। जानी की अभी जानी अभी मेडकिट यूज कर रहा है। अभी गार्ड वालों की तरफ से रश और गार्ड बे भी बहुत रश वाला गेम प्ले करते हुए। ओ गार्ड वालों की टीम की एनर्जी देखनी पड़ेगी। गार्ड बे भी और गार्ड हॉट शॉट को ख़त्म कर दिया गया है। गार्ड बे भी रॉयल जॉनी और गार्ड बे भी के ज़बरदस्त टक्कर। हमारा जो गार्ड मुजरी में वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं। ओ गॉड मुजरिम को नॉक डाउन। यार बड़ी तेज बंदी निकल गया ये वो बंदा। गॉड मुजरिम बहुत खफा है। ओ गॉड वाले को इस तरह कर रही है जैसे चूहे है, चूहे बिल्ली नहीं है, चूहे को कह जाते हैं। मेरी कमेंट्री थोड़ी सी वो और थोड़ी सी हार्श है हमारी। जब गार्ड वाली ये देखेंगे तो मेरे को बहुत बातें सुनाएंगे पर कुछ भी नहीं। अब अभी कमेंट्री करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये सारी नूबरी लेके आए हैं, मैंने कहा मुझे खिलाओ। गार्ड बेबी की तरफ से गार्ड डर्टी माइंड अभी एल शेप में एमपी पाइप का इस्तेमाल करते हुए। लगता है ये गार्ड्स को नूब समझ रही है इसलिए एमपी पाइप उठाया उन लोगों ने। तो डर्टी माइंड एम लेते हुए कासिम को नॉकडाउन करने की कोशिश। नॉकडाउन कर एल शेप हाउस में दो बंदे। डर्टी माइंड नीचे आती हुई कासिम की तरफ बढ़ती हुई कासिम की सामने आ गए। और ये मैं आगोश बैठा हूँ कमेंट्री की आड़ में।
और एक बंदे को डाउन करती हुई हमारा बेबी राइल जानी गॉड बेबी को खाते हुए आज मुजरिम वन शॉट नूब की तरह भाग रहा है। 14-14 का वन शॉट को नॉक डाउन कर दिया। राइल जानी कहता है ये मैच मैं अकेले जीतूंगा। ओ राइल जानी ने ट्रिपल किल करती हुई उन लोगों का मजाक बना रही है। अभी राइल जानी को इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी बच्चे हैं, इनको भी पिंग का मसला आ सकता है, इनके मोबाइल वीक हो सकते हैं। इन लोग इतनी हिम्मत के बावजूद राइल जानी इनका मजाक बना रही है। हमारा जो गढ़ मुझे में वो मेरे सामने बैठा हुआ है वो गमगीन हालत में रो रहा है कि राइल अभी गॉड बेबी को स्पेक्टेट करते हैं ये क्या गुल खिलाता है। अजमत के सामने एक बंदा आता हुआ, दो बंदे आते हुए एक बंदा अजमत वो बंदा आ गया, वो दूसरा बंदा आ रहा है अभी उसको डर्टी माइंड तुम लोगों के सामने आ गया। अभी आसिम को खत्म कर दिया। आसिम सर जमा मेरा दूसरा जो भाई है ये हमारी तरफ से गार्ड वन शॉट अभी बाकी रह गया। अभी देखते हैं वो क्या गोल खेला। गार्ड वन शॉट कमरे में आते हुए नारायल जानी कमरे की तरफ बढ़ती हुई और उसके पास N94 और M1887 है और ये लूट के सामने बैठे हुए जैसे ये अपनी मुंडी दिखाएंगे इसकी मुंडी ख़त्म करने की कोशिश में राइल जानी मुकाबले की टक्कर है। ये आप देखते हैं गार्ड वाले का बात तो बहुत सच्ची है कि गार्ड वाले काफ़ी नूब बंदे लेके आए हैं। गार्ड वाले इस तरह नहीं मारते राइल, तुझसे बड़ा जालिम है यार। हमारे गार्ड्स वाले की दूसरी टीम से कह लो तेरे को इस तरह की सबक सिखाएंगे। आवाज सुनाई नहीं देती। हाँ जी
close till I get up. Time is barely on our side. God baby soch rahe hai main akele kaise ladu, hamari sari noob to down hai. मुजरिम कह रहा है कि मैंने मोबाइल में कोई मसला है, तो मैंने कहा आप क्यों खेलते हैं अगर आपके मोबाइल में मसला है. मुझे लगता है कि हार्ट शॉट वाले को गुस्सा गया है. राहुल जानी मेरे ख्याल से अभी मुश्किल में है. राहुल जानी अभी डर लग रहा है. राहुल जानी को डर लग रहा है. राहुल जानी ग्लूवाल में, ग्लूवाल के अंदर कैद. राहुल जानी जोन में एलिमिनेट, जोन में एलिमिनेट हो गया राहुल जानी. राहुल जानी जोन में एलिमिनेट हो गया और ये पहले बोया कर लिया गॉड बेबी की तरफ से एक किल. पहला राउंड बोया कर ये, मगर राहुल जानी गार्ड वाले को बहुत हल्के में ले रहे हैं, हल्के में. मुसलसल कमेंट्री करते हुए गार्ड मुसलसल कमेंट्री करते हुए गार्ड माफिया गार्ड माफिया. राहुल जानी की सारी स्क्वाड फैक्ट्री के बीच में पहुंच गई है. राहुल जानी गार्ड मुजिम की तरफ बढ़ती हुई काजिम अस्तासिम से अखलास से पीछे से मारेगा राहुल मारेगा काजिम से को मारेगा चल को मारेगा. लेफ्ट साइड ना मुझे बोली राहुल जानी लेफ्ट साइड पर हसीमा लेफ्ट साइड पर. पता नहीं किसको हेड लगी है अभी हम देखते हैं. राहुल टी एस पी शो को 108 की दो हेड लगी हुई है, देखते हैं. राहुल जानी को भी लगा है, दोनों की एनर्जी अभी कंडे के टक्कर में. राहुल जानी पीछे से आते हुए दूसरा स्क्वाड भी वो जीत गए. मुझे बहुत तरस आ रहा है अपने स्क्वाड मेट्स पे. मैं जानता हूँ कि हमारे साथ भी कस्टम खेल लेता है कि हम उनको दिखाएं कि किस तरह कस्टम खेल ली जाती है. ये हमारे पास एक बंदा है AK-47 नूब सा है, खेलता नहीं है, बस उसको प्रिपेयर कर लेगा बहुत जगह. कस्टम का दीवाना तो बिकी में कस्टम जो है मुसलसल हार मानती हुई गार्ड वाली टीम को. यार राहुल जानी इन लोगों को बहुत हल्की में ले रही है, जिसे चूहे के साथ खेल रही है राहुल जानी वाली स्क्वाड. राहुल जानी और टीएसपी शो रश करते हुए मैं देखता हूँ कि गार्ड भी चूहा कहाँ पे. गार्ड भी चूहा लेफ्ट साइड भी देखो आ गए लेफ्ट साइड पे गार्ड मुजिम. गार्ड मुजिम पर राहुल जानी की हेल्थ कम हुई हुई है, अभी वो चाहेगा. कासिम का जबरदस्त डर्टी माइंड राहुल जानी को रिवाइव देती हुई. राहुल जानी बचने वाला और बच गया. मेडकिट का इस्तेमाल करते हुए राहुल जानी अभी उनकी टीम को बहुत खर्चा है. कैसी ये बच पाएंगे अभी देखते हैं कि अपनी टीम मेट्स को रिवाइव देते हैं क्या ना. और ये कांटे की टक्कर है और यार इसके बाद ये लोग ये तो गार्ड जानी राइट साइड पे के राइट साइड से जाओ गार्ड जानी. ये नूब तो अभी ये मेडकिट इस्तेमाल कर रहे हैं नूब. ओ ये राउंड भी ये नूब लोग जीत गए. यार गार्ड मुजरिम अभी हमारे साथ डिबेट कर रहे हैं कि आप लोग हमारी मजाक क्यों उड़ाते हैं. मैंने कहा यार ये तो फन के लिए हम कर रहे हैं.
यार मुझे यार मुझे कंफ्यूज लगता है, मेरे को कोरोना हो गया। ये गार्ड है कि नहीं, इनको कोरोना हो गया तो हमने कहा हमारे साथ नहीं मिला करो, हमारे साथ पता नहीं गुल मिलता ये गार्ड मुझे ये ऊपर चढ़ने की कोशिश में है, सारी एक जगह पे ऊपर चढ़ने की कोशिश में है। पीछे से आ जाओ, कोई एक ऊपर चढ़ गया, दूसरा भी चढ़ गया, दूसरा भी चढ़ गया, एक कमरे के नीचे आ गया, एक कमरे के नीचे आ गया, दो ऊपर एक नीचे। अब देखते हैं अल्लाह की राम करम से ये लोग ये जीत पाते हैं कि नहीं। अब हम देखना चाहेंगे फाइट नहीं लेने का, वन गार्ड वन शॉट की तरफ से ये एडवाइस। और डर्टी डर्टी माइंड को नॉकडाउन किया हुआ है, इन लोगों को बहुत खर्चा है, पता नहीं ये लगती है। कासिम को हेड शॉट की चक्कर, देखते हैं ये कौन जीता है। रायल जाने को पड़ा है अभी 120, मेरे ख्याल से 121 का पड़ा है। आसिम तू मार रहा है उसे। अभी आप इस तरह खड़ी रहो, वो उन लेफ्ट साइड पे आएंगे, लेफ्ट साइड भी गई, लेफ्ट साइड भी गई, एक नीचे आ गया डाउन। जानी ने नॉक डाउन करने की नाकाम कोशिश, और रेल जानी आ गया, आ गया अपने बंदे को रिवाइव करने के चक्कर में, मगर नहीं रिवाइव पाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। और गार्ड वन चार ने टीएस जारी को डाउन कर दिया, ये बहुत जबरदस्त गाड़ी की टक्कर जारी है। और ये कमेंटेटर को पानी की शदीद देकर अभी मैं तो जानी के साथ MP5 पापा M1 87 है। जानी लोगों को नूब समझते हुए जानी ऊपर चढ़ गया, पता नहीं जानी कहाँ जा रहा है। जानी डबल डोर के ऊपर छत पे चढ़ा हुआ है MP5 के साथ, लगता है जानी ने इन लोगों को बहुत नूब समझा हुआ है। जानी इन लोगों से डरता ही नहीं। TSP शो बड़ी कमरे के पीछे, अब डर्टी मैन राइट साइड पे खड़ा है, ये जो वुडन ब्लॉक्स है उसके पीछे। अभी देखते हैं गॉड बेबी वाली टीम को, गॉड मुजरिम को पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई भी नहीं है। गॉड मुजरिम गलत जगह पे एम लेते हुए, गॉड मुजरिम तुम्हारी लेफ्ट साइड पे एक बंदा है। ये एक उछलने उछलने डर्टी माइंड नीडो चल रहा है गार्ड म्यूजियम के सामने, उछल रहा है गार्ड म्यूजियम कमरे के नीचे आती हुई, और लेफ्ट साइड पे वो ग्लू वॉल के पीछे छुपते हुए रायल जानी, रायल जानी, रायल जानी ग्लू वॉल को तोड़ रहे हैं ताकि जिस बंदे को नॉकडाउन किया हुआ है इनको ख़त्म किया जाए। मुझे लगता है ये वन शॉट रह गया है, उन्होंने सबाब दी, जवाब दी। मेरे ख्याल से रायल जानी लेफ्ट साइड से उतरी गई, 63 का हेड लगाया वन शॉट को। TSP शो डबल डोर की कमरे के बीच एम लेते हुए, कमरे में एम लेते हुए बहुत गांडी की टक्कर है, गांडी की टक्कर है एक बंदी को नहीं। और TSP शो को मारेंगे मेरे ख्याल से वन शॉट, TSP शो को इस तरह मारेंगे। गार्ड बेबी नॉक डाउन, गार्ड मुजरिम उतरने के वाले को नहीं मार पाए। और रॉयल जानी डबल किल के साथ गार्ड मुजरिम को मार गिरा, और इस तरह गार्ड माफिया की स्क्वाड को ख़त्म कर दिया। और हम रॉयल जानी को वेल प्लेड कहेंगे, और अपने चैनल पे सब्सक्राइब की दावत देते हैं।
कासिम ये गार्ड माफिया वाली अभी कह रही है कि उसके गार्ड बेबी जो टीम मेट है वो नूब की तरह गेम प्ले कर रहा था, अभी मुझे टीम में लेंगे तो मैं जाऊंगा और राहुल रानी को मार गिराऊंगा। आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहे। Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to